मॉर्निंग 8th क्लास, कैसे हैं आप सभी बच्चों? देखिए, इसमें हमारा पार्ट चल रहा था सेकंड, विलस्य बाड़ी न कदापि मैं श्रुता, गुफा की बाड़ी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, तो इसमें हमारे चल रहे थे कठिन शब्द। कठिन शब्द क्या कहेंगे इसको? शब्दार्थ। क्या कहेंगे? तो इसके मैंने आधे आपको करा दिए थे और आधे रह गए थे। ठीक है, तो देखिए तक्यामी का मतलब क्या होता है? विचार करता हूं, विचार करता हूं। फिर किम करवाणी, किम करवाणी क्या करूं, क्या करूं। चिंतन, विचार कर, विचार कर। ठीक है, रव ध्वनि, किम न रमस रमासि, किम न स्मरसि, क्या याद नहीं है, क्या याद नहीं है। समय, समयम, स्यामी, क्या हो जाएगा? वापिस आता हूं। अकार इस, अकार यससी। ठीक है, पुकारेंगे, पुकारेंगे। फिर है अहस्यसी, बुलाते हो। क्या है? अहस्यसि, बुलाते हो। यास्यामि,
जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर अहम् अहम् पुकार संधिवत्तम उच्चते, ठीक ही कहा है। इत्थम इस प्रकार विचार्य विचार कर पालियां पालियमान भागते हुए जरा बुढ़ा पर संस्था रहते हो, सोचते चिंतनीय होता है बेपधु कंपन। चलिए इधर साइड से दिखा देती हूँ जो है, ठीक है। अहस्यसी यानी बुलाते हो, यह सुनकर यह सुनकर आहान आवाहन कहते हैं ना, आवाहन पुकार संदीपदम उच्चते, ठीक ही कहा है, ठीक ही कहा है। देख लीजिए फिर इत्थम इत्थम इस प्रकार विचार कर फलित मान जरा बुढ़ापा, ठीक है। इधर क्या मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ क्योंकि तो दो तीन रहेंगे तो आपके हाथ हो जाएंगे तो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
जरा की आगे देखिए रहते हुए होता है बेपतु कंपन फिर है राहत यानी बाहर से क्लास है वह डरे हुए था ये हो गया हमारे पूरे काम, ठीक है। इसमें से क्या कंप्लीट हो गए। अब क्या है कि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो अब हमें क्या होगी, आसानी होगी पढ़ने, ठीक है, क्योंकि हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर से, और हम इसका अर्थ अपने जब हम इसको लर्न कर लेंगे ना तो अपने आप निकलता चला जाएगा, ठीक है। विलश्यवाणी न कदापि मैं श्रुतम, यानी कि गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। विलश्य यानी गुफा, ठीक है। फिर है प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंच तंत्रम की तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेख विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद रूप में कथाएं दी जाती हैं जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं, ठीक है। तो पंचतंत्र की इस कहानी में यह बताया गया है कि संकट से साहस से काम लेना चाहिए, विचार कर कोई ना कोई तरकीब निकालनी चाहिए। इस कथा में श्रृंखला की चतुरता को व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो अब चैप्टर हम करेंगे कल से स्टार्ट। आज हमने आपको ये लिखा दिया और थोड़ा सा बता दिया है, तो कल पूरा शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद संस्कृत सब पढ़ के मैं बताऊंगी, और आप जितना पढ़ सको आप पढ़ते ही रहेगा। आप अपने घर से रीड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आसानी रहेगी आपको भी और मुझे भी, समझाने और बताने में दोनों में, ठीक है, आपको समझने में मुझे बताने में, ठीक है। चलिए ओके बाय टेक केयर। ये हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। तो चलते हैं ओके बाय।